तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी TSSC लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि जो लगातार अब बच्चे कहने की कमेंट कर रहे हैं कि जो लखनऊ बेंच में अब क्या हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट थी मैंने आपको सुबह बता दी लखनऊ बेंच में, क्योंकि आज सुनवाई वगैरह नहीं हो पाई और नहीं होगी, क्योंकि मैंने सुबह बता दिया था जो कुछ भी था आपको, यानी कि जो कुछ भी केस लिस्टेड थे, जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं पेटिशनर की बात करें तो उनकी जो आज सुनवाई थी, जो केस थे उसमें कहीं ना कहीं इस केस को लिस्ट नहीं किया गया 16 तारीख को, जिस प्रकार से 16 तारीख को डेट वगैरह लगी गई थी। और आपको ये भी पता होगा जो जो विवेक चौधरी सर हैं, जो उनकी जो बेंच में आपकी सुनवाई चल रही है, तो जो 3/8, ठीक है, तो उनका भी मैंने जैसे कोर्ट रूम वगैरह देखा, जैसे कोर्ट नंबर 5 में, कोर्ट नंबर 4 में, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कोर्ट नंबर 4 में इसी केस को लिस्टेड किया गया है और सही नंबर इतना मिला है, तो इसी प्रकार से हमने देखा तो कहीं पर भी ये केस लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। और 17 तारीख को अभ्यर्थी कह रहे थे क्या क्या सर, जो कुछ समय पहले आपने देखा होगा शायद, मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा था कि एक डेट मिली उसके बाद दूसरी डेट दे दी गई थी, ठीक है। तो उस प्रकार से हो सकता है कि सर कल सुनवाई हो सकती है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, अगर चैनल पर जो कुछ भी बताया जाता है वो कहीं ना कहीं आपको सटीकता से देखने को मिलेगा, और जो कुछ भी बताया जाता है वो कहीं ना कहीं विधि पूर्वक बताया जाता है, और सुबह आपकी वीडियो में देखा होगा, मुझे लगता है यूट्यूब पर किसी ने आपको बताया होगा जो कुछ भी मैंने बताया है, और आप देख सकते हो चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है वो खुद का होता है और खुद के प्रूफ होते हैं, ठीक है, ना किसी चैनल से कॉपी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं, क्या कल सुनवाई हो सकती है, क्या कोई अन्य डेट होगी, ठीक है। और जो आपको पता है कल की जो कॉज लिस्ट वगैरह जारी हो चुकी है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि लगातार इसी प्रकार से आपको ये खबरें मिलती रही हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया, जो आपकी जो सुनवाई वगैरह चल रही है, जिस प्रकार से आपको पिछली जो डेट थी 2 मार्च थी, 2 मार्च के बाद अभी 16 मार्च को मिली थी, और 16 मतलब यानी कि आज, तो आज तो कुछ हो नहीं पाया। अब देखो, आपको बता दूं जो कल की संभावना है, क्योंकि अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे इस प्रकार से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, देखो कल की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अगर कल भी ये सुनवाई करते, ठीक है, कल अगर कल करते सुनवाई, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, अगर ये कल सुनवाई करते तो आज 100% ये अपडेट कर देते साइट पर। मगर आप मैंने कुछ समय पहले भी डाला है, मतलब कम्युनिटी के माध्यम से, क्योंकि आपको बता दूँ कम्युनिटी के माध्यम से आपको लगातार जो कुछ भी अपडेट दी जाती है उसे बहुत ही ऑथेंटिक होती है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहां पर मैं क्वेश्चन वगैरह भी डालते रहता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस वगैरह चलती है, चाहे आप वीडियो का पेपर दो चाहे किसी का दो। तो मैं कम्युनिटी के माध्यम से डाला, तब तक वो मैंने अभी भी, जब इससे पहले मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पहले भी मैंने चेक किया, तो अभी भी वहां पर 16 मार्च दिखा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से अगर कल सुनवाई होती तो यहां पर कोई ना कोई डेट आपको आज दे देते, और ये कल सुनवाई, जिस प्रकार से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पिछली बार एक डेट हुई थी उसे 1 तारीख रखा गया था, अब ये मुझे फरवरी क्लियर है या मार्च, ये क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें पहले 1 तारीख रखा था, फिर उसे दो तारीख कर दिया था। तो इसी प्रकार से अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर 16 को उसके आज 17 तारीख कल मतलब सुनवाई वगैरह हो सकती है, तो कंफर्म नहीं कर सकते, और शायद अगर कुछ भी अपडेट होगी तो शाम तक यार अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है होली तक, जो यानी कि होली से पहले और होली तक कोई भी जो आपकी सुनवाई वगैरह नहीं हो पाई है, लंबा वक्त हो गया है, क्योंकि इस बेंच एडमी जो विवेक चौधरी सर हैं उनकी बेंच में अभी तक मतलब, और अभी कल बैठी भी नहीं थी उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कहीं नहीं लग रहा छुट्टी वगैरह चल रही है, तो इस वजह से कहीं नहीं केस वगैरह आपका लिस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक बेंच नहीं बैठेगी तब तक केस भी लिस्टेड नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो आपके जो वकील वगैरह हैं, चाहे वो यानी कि जो पेटिशनर की बात करें, चल ठीक है, तो उनके केस वगैरह कहीं ना कहीं लग रहे हैं, ठीक है, उनके केस वगैरह कहीं ना कहीं लग रहे हैं, मगर जो आपकी जो विवेक चौधरी सर हैं उनकी बेंच आईडी में कहीं ना कहीं आपका केस नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जितने भी कोर्ट रूम थे, चाहे कोर्ट नंबर 5 में देखा, कोर्ट नंबर 4, सभी को मैंने चेक किया है, मगर कल की जो डेट में 17 तारीख को कहीं नहीं लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं विचार कर सकते हैं, देखो या तो शाम तक अपडेट हो जाएगा, और शाम तक अपडेट हो जाएगा तो चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, अगर शाम तक अपडेट नहीं हुआ तो कल तक जो कुछ भी होगी जो साइट पर सब चीज दिख जाएंगी कि नई डेट कौन सी मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो कॉज लिस्ट वगैरह हालांकि आपको बता दूं कल की जारी हो गई, वो मैं दिखाना नहीं चाहता, मैंने कल की जारी हो गई, मैंने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में रिजल्ट को लेकर है कि सर इस प्रकार से आप कह रहे थे कि रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से तो लग नहीं रहा रिजल्ट, ठीक है। तो देखो आपको बता दूँ, अभी जो रिजल्ट के बारे में कुछ भी स्थिति नहीं कह सकते कि रिजल्ट अप्रैल में आएगा या मई में जाने वाला है, क्योंकि आपको बता दूँ अगर एक सुनवाई हो जाती है, चाहे लखनऊ बेंच में बात करें, मेन बात तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा समय इस वजह से और लग सकता है, वैसे सारी चीज़ें कह सकते हैं कि अप्रैल में हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डबल बेंच में सुनवाई चल रही है वो और सुनवाई चलने लगी है, क्योंकि उसकी भी डेट 21 मार्च कन्फर्म है, क्योंकि वहाँ पर भी सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर भी अगर डेट वगैरह इसी के मार्च के करीब मिल जाती है, या 19 मार्च या 18 मार्च के करीब मिल जाती है, या 21 के बाद 22 या 23 मार्च मिल जाती है, अगर इन दोनों डेटों पर डिसीजन आ जाता है तो फिर भी आपको बता दूँ आ जाता है, तो फिर आपको बता दूँ अप्रैल में उम्मीद रहेगी,
अप्रैल में उम्मीद रहेगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं ठीक है, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि क्लियर कि रिजल्ट अप्रैल में देखने को मिलेगा फिर या मई में रिजल्ट मिलेगा या फिर इससे भी ज़्यादा जाने वाला है। क्योंकि हम बता रहे हैं जिससे हम जिस प्रकार से नज़दीकता से क्योंकि महीना की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बताऊँ इस चीज़ के माध्यम से लगातार कवर किया जा रहा है इस लेख पाल की भर्ती को, यानी कि जैसे कि नवंबर में लग रहा था कि नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा, उसी प्रकार से आशा रहती है कि दिसंबर में लग रहा था ठीक है, और ये तो ये भी लग रहा था कि मार्च तक इस भर्ती को कम्प्लीट कर दिया जाएगा, पूरी भर्ती को मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्च में आपकी सुनवाई चल रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते कब तक जून जुलाई आ जाए, या हमारा रहता है जो कुछ भी आपको बताना विधिपूर्वक बताते हैं, जो कुछ भी होता है चाहे कोर्ट की अपडेट हो चाहे और हमारे सोर्स वगैरह रहते हैं जैसे कट ऑफ वगैरह लगभग कितनी जा सकते हैं, रिजल्ट वगैरह आने वाला है कब तक आ सकता है, तो ये सारी चीज़ रहती है। मगर इस भर्ती में क्या हो गया, थोड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि इस भर्ती में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कोर्ट वगैरह की प्रक्रिया फंसी हुई। और आप देख रहे हो अब जैसे कि एएनएम में देखा होगा, एएनएम में अब 20 मार्च को सुनवाई है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जॉइनिंग बची हुई है ठीक है। उस भर्ती में इतना प्रयास किया जा रहा है आपको दादू, क्योंकि यहाँ पर हालांकि आपको दादू मैंने जो कहा सुबह की वीडियो में बताया था कि कुछ साथियों से मैंने बात की है ठीक है इस ट्विटर कैंपेन को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके लिए हमें एकजुट तो होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सर एक डेट निश्चित कीजिए ठीक है। तो इसी पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और बहुत सारे साथी, देखो मैं आपको दा दूँ मैं इसमें अकेला कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उस प्रकार से मेरे पास ऑडियंस भी नहीं है जिस प्रकार से हमारी आवाज़ पहुँच पाए दूर तक, मगर मैं सुबह से कहीं ना कहीं अभी जो मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ और बहुत सारे अभ्यर्थी जो यूट्यूबर साथी जो आपको भी अपडेट देते हैं तो किसी के मेल के माध्यम से किसी प्रकार से मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ कि एक डेट को निश्चित कीजिए। अगर मैं अपनी डेट रख दूंगा, मैं कह दूं कि 19 तारीख को या 20 मार्च को, तो ये सारी चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं देंगे, क्योंकि आपको बता दूं वहाँ पर क्या होता है कुछ साथी कहीं की बुरा मान जाते हैं इस प्रकार से, या तो स्टूडेंट वगैरह जो एक डेट निश्चित कर देंगे या वो सब लोग एक बताएंगे इस डेट को ट्विटर कैंप पर रखा जाए और इस डेट को कहीं की आयोग चला जाए, तो उसी पर हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैं अपने आप से जो कुछ भी अपने तरीका से नहीं कर सकता क्योंकि वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं चाहे हमारे साथी हों जो इसी प्रकार से टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने निश्चित करूंगा। तो सभी से मेरी बात चल रही है ट्विटर कैंपेन को लेकर और जितने भी अभ्यर्थी हैं लगातार मैंने आपको देखा हूँ लगभग दो वीडियो में होगा मैं लगातार ट्विटर कैंपेन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ इस भर्ती को अगर इस प्रकार से डिले किया जाएगा, अगर इसी चीज़ में आपको बता दूँ अगर ट्विटर कैंपेन को लेकर आयोग नहीं जाया जाएगा तो इस भर्ती में कहीं ना कहीं देरी होगी आपको बता दूँ, और लगभग आपको पता नहीं चलेगा कि 2023 कब चला गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपको नवंबर नहीं पता चला, 2022 का ना दिसंबर पता चला और 2023 का ना तो जनवरी पता चला, ना फरवरी और ना ही मार्च पता चल रहा है कि कितने में निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी है और हमें प्रयास करना है। देखो आपको बता दूँ, देखो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो ऊपर वाले ऊपर है, क्योंकि आपको बता दूँ अगर आपने अच्छे मार्क्स जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कुछ अभ्यर्थी वही होते हैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, या तो उनके बहुत बुरे मार्क्स बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ कमेंट करना है, तो इस प्रकार से और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी होते हैं जिनके मार्क्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ उतने सही बढ़ रहे हैं, तो वो तो कहते हैं कि सर यार मेरा हो या ना हो मगर डीवी का रिजल्ट जरूर जारी हो, क्योंकि हम बहुत असमंजस में फंसे हुए हैं क्योंकि दूसरे एग्जाम की भी नहीं तैयारी कर पा रहे हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा विद्यार्थी होता है इस प्रकार से कमेंट करता है जो कहीं ना कहीं उसके या तो नंबर कम बढ़ रहे होंगे तो इस प्रकार से करता है कि कुछ ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला, तो होता है आपको दादू इससे की चीजें हाईलाइट होती हैं। और आपको भी पता है जब डिजिटल ही कोई भी चीज की जाती है, क्योंकि इस प्रकार से इंटरनेट पर अगर जो कोई भी चीज की जाती है तो उसका क्या होता है हर एक चाहे वो स्ट्रीम का हो चाहे जैसे कि एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, अब जैसे ट्विटर पर क्या है ट्विटर पर अगर कोई भी चीज ट्रेंड करती है तो वो सबको दिखती है, आपको भी पता है आप भी ट्विटर चलाते हो गए ट्रेंडिंग के ऑप्शन में जाओ तो यहां पर दिखता है अरे भाई लेखपाल का रिजल्ट आने वाला है, लेखपाल के बारे में जो अभ्यर्थी कहीं ना ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आयोग पर दबाव बनाती हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हो कोई भी ट्विटर कैंपेन लेखपाल के लिए अभी किया गया वो हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया, तो इस वजह से कुछ नहीं। आपने देखा होगा वैकेंसी वगैरह के ट्विटर कैंपेन किया गया था वैकेंसी के लिए, तो कहीं ना कहीं सारी चीज ट्रेंडिंग में आई थी और सभी साथी एक साथ मिलकर आए थे ठीक है। तो अभी भी आपको बता दूं आपके जो रिटर्न में अभ्यर्थी बैठे तो उनकी जो संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी है, तो ये सब साथ ही आएंगे, तो लगभग आपको बता दूं अगर 50-60 हज़ार भी अभ्यर्थी बैठ जाते हैं ट्विटर कैंपेन करने के लिए तो ये भी संख्या आपको बता दूं हैशटैग ट्रेंडिंग में ला सकती है। तो इसी प्रकार से हमारा प्रयास है जितने भी साथी जितने भी टीचर उन्हें एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे लगातार मैं बात कर रहा हूं ठीक है। और जो कुछ भी होगा डेट वगैरह आपको बता दी जाएगी और आप भी अपने ओपिनियन वगैरह रख सकते हो, और जो कुछ भी आपको बताया वो कल की सुनवाई कुछ बारे में कह नहीं सकते जो, क्योंकि कल कोई चांस नहीं लग रहा, अगर होगा तो चैनल के माध्यम से शाम को बता दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट होगी वो सारी चीज़ साइट पर मतलब यानी कि कहीं ना कहीं अपडेट कर दी जाएंगी ठीक है। मगर अभी तक तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, और जो मैं कल की कॉज लिस्ट वगैरह कहीं नहीं सब कुछ देख चुका हूं तो मुझे नहीं उम्मीद नहीं लग रही है कि कल इस केस को रखा जाएगा, और मुझे लगता है आगे एक दो दिन के अंदर कोई भी डेट इस डेट को मतलब केस को दे दिया है, क्योंकि अभी जो बेंच वगैरह नहीं बैठ रही जो विवेक चौधरी सर की है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कारण हो सकता है क्योंकि उनकी छुट्टी वगैरह चल रही होगी होली के बाद, तो इस प्रकार से उसी प्रकार से उनकी बेंच वगैरह नहीं बैठ रही, तो इस प्रकार से
सुनवाई वगैरह की कोई डेट नहीं मिल पा रही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो लगभग अपने ओपन ही रह सकते हैं ट्विटर के पेपर को लेकर आयोग को चलकर, क्योंकि आपको बता दूं देखो चाहे आपके कितने भी मार्क्स पड़ रहे हो इसमें सपोर्ट आना है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपके लगभग जो भी आप साथी हैं लगभग 70+ जिन अभ्यर्थियों के पढ़ रहे हैं तो उन्हें सभी को है कहीं नहीं की आस लगाए कि मेरा हो सकता है। तो आपको बता दूं कोई 70 जो मार्क्स है कोई बुरे मार्क्स नहीं है, इस पर हो सकता है अगर सारी चीज़ें रही, डीबी स्किप हो गया बच्चों का और डीबी में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि आयोग 8085 पद हैं उसमें पद को खाली करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर आपको डीबी में लगवा अब जैसे अभी चल रहा है जैसे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर कि कुछ साथी बता रहे हैं कि 1.25 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो इस प्रकार से कहीं नहीं कि अभ्यर्थी तो फिर इसमें 8085 पद में तो बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर पद खाली रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं नहीं कि डीबी स्किप कर देंगे और उसमें अगर आयोग यहाँ पर और बहुत कम चांस है कि यहाँ पर वैकेंसी को खाली रखा जाएगा, ठीक है बहुत कम चांस है, क्योंकि इस प्रकार से फिर कोई दोबारा इतनी जल्दी भर्ती हो नहीं पाएगी। और आप भी देख रहे होगा क्योंकि जिस प्रकार से आयोग कह देता है कि हम वीडियो का विज्ञापन देने वाले हैं, लेखपाल का विज्ञापन देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से फिर कहीं की देरी हो जाएगी। तो 8085 पद हैं तो इन्हें कहीं की पूरी तरीके से भरा जाएगा, तो इस प्रकार से 1.25 मेरे हिसाब से नहीं जो मैं बता रहा हूँ लगभग उतने ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जो मैं कह रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़्यादा गौर मत दीजिए, पहले डीबी का रिजल्ट जारी हो उसके बारे में कुछ सारी चीज़ें पता चलेंगी कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है नहीं, अंततः इसी असमंजस में फंसे रहेंगे। आपको भी पता है आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि और सारी वैकेंसी आ रही हैं जो आप UPPCS देख रहे होंगे और बहुत सारी वैकेंसी RO AR O की, ठीक है। तो ये वैकेंसी पर पूरा फोकस कर सकते हो, चाहे पुलिस की हालांकि रेडियो ऑपरेटर का पेपर है क्योंकि यूपी पुलिस के भी उसी में शामिल लगेगा, फिर भी आपको बता दूं अपनी पढ़ाई पर जोर दे सकते हो, मगर इसके बाद अभी तक तो जो कुछ भी क्लियर नहीं, तो इससे अभ्यर्थी कहीं नहीं कि मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेरा मकसद यही है कि लेखपाल का जारी से जल्दी से जल्दी जारी हो, तो बस यही बताना था। और आपने अपनी ओपिनियन रखा जो कुछ भी आपको ट्विटर कैंपेन को लेकर चाहे सहमत हो चाहे असहमत हो, और मैं आपको बता दूं चाहे आप बुरी कमेंट करो चाहे अच्छी कमेंट करो मैं उसका जरूर रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, चाहे कोई अभ्यर्थी हो हालांकि मुझे पता है अगर कोई गलत कमेंट करके जाएगा तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं भर रहे होंगे, इसी प्रकार से वो गलत कमेंट करेगा, ठीक है। और मेरा प्रयास आप देख रहे हो जो कुछ भी बताया जाता है विदप्रूफ बताया जाता है, किसी के चैनल से ना कॉपी किया जाता है ना कुछ किया जाता है, और मेरे खुद के रिसोर्स होते हैं जो कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बस यही बताना था, और अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं, अगर कुछ भी साइट पर अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, सबसे पहले कम्युनिटी के माध्यम से इस प्रकार से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जल्दी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस हम वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।